नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आपको वशीकरण का एक नया टोटका बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप तीन पत्ते से अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं और किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि आपको इसके लिए करना क्या है। तीन ऐसे पत्ते जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपकी परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं, आपके परिवार, आपके व्यापार, आपके धन दौलत को बुरी नज़र से बचा सकते हैं। देखने में आया है कि हमारे परिवार को, हमारे धन दौलत को, हमारे व्यापार को बुरी नज़र लग जाती है। यह नज़र लगना क्या होता है? नज़र लगने के किसी की काली दृष्टि जो हमें बुरी नज़र से देखे या कोई भावना से देखे, उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, हमारे धन दौलत के इर्द गिर्द चक्कर बना ले, हमारे परिवार की दिक्कत शुरू हो जाए, उसको कहते हैं नज़र लगना। जब नज़र लग जाती है तो कार्य बंद हो जाते हैं, पैसे का आना बंद हो जाता है और हमारे परिवार में का कलह क्लेश बढ़ जाता है। कई बार आपने अपना लॉकर या तिजोरी किसी के सामने खोल दी और वहाँ पड़ा धन किसी ने देखा तो उसके मुंह से हा निकल गई, हाय इतने पैसे, तो आपने देखा है कि उसके बाद आपका धन खत्म होता जाएगा। अब बहुत से लोग वहम करते हैं, परंतु इसका एक आध्यात्मिक कारण है। जब सामने वाला व्यक्ति से हाय निकली, चाहे वे आपसे प्रेम करता है, तो उस समय नेगेटिव वाइब्रेशन का एक तेज प्रवाह निकलता है और वह नेगेटिव वाइब्रेशन जब निकलती है तो आसमान में इधर उधर घूम रही दूसरी वाइब्रेशन उसके साथ कनेक्शन कर लेती हैं और तेजी से उसमें प्रवेश करती जाती हैं। और उस प्रवाह को तोड़ने के लिए, जब प्रवाह को तोड़ना शुरू करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी काम करती है। लेकिन हमने उसको, उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और अपनी जो किस्मत को चमकाना पड़ेगा और अपनी समस्याओं को हल करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है। पीपल के पत्ते आपने लेने हैं, पीपल के पत्ते, पान के पत्ते और तुलसी माँ के पत्ते लेने हैं। और ध्यान रहे कि पत्तों की डंडियों का होना बहुत ज़रूरी है। पत्ते कैंची से काटे हुए नहीं होने चाहिए और साफ पत्ते होने चाहिए। तीनों पत्तों को इकट्ठा लेकर इकट्ठा कीजिए। तीनों पत्तों को लाल कपड़े में लपेट कर गुरुवार के दिन शाम के वक्त 4 से लेकर 5 बजे के करीब अपने हाथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हम दुखी हैं, हमारे दुखों का अंत कीजिए। और जिस व्यक्ति से आप परेशान हैं उसका नाम लें और कहें कि यह व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है और वह परेशान ना करे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं और वह हमारे वश में हो जाए। और इनको किसी भी, इन पत्तों को, इस कपड़े वाली पोटली को आप किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ाएं और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। आपको जो भी शत्रु परेशान कर रहा है वह आपको परेशान करना बंद कर देगा और आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का नया टोटका, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप तीन पत्तों से किस तरह से अचूक वशीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।